यो सब दी गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो फिलहाल के लिए मैं स्कूल जाके यहाँ पे मतलब आ चुका हूँ। तो अभी मैंने घर पे खाना वाना और यूनिफॉर्म स्कूल की ड्रेस जो कि चेंज कर दी थी मैंने, तो अभी मैं खाना वाना खा के अभी मैं जा रहा हूँ। फिलहाल के लिए अभी देख सकते अभी मैं जा रहा हूँ गायों को जेल से आज़ाद करने के लिए, मतलब गायों को जेल से आज़ाद करें, मतलब अभी हम रोज़ाना मतलब गायों को मतलब यहाँ से मतलब एक ऐसे जगह पर डाल मतलब खेत के अंदर रखते हैं जहाँ पे मतलब घास खा सकते हैं, लेकिन हम मतलब घास खा सके क्योंकि जहाँ पे घास ज़्यादा होती है मतलब। तो हमारी गाय ऐसी है बहुत ख़राब है, जो कि 2-3-4 गाय है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि वो हमारे मतलब अगर हम छोड़ देते हैं बारिश से गायों को छोड़ देते तब वो मतलब घूमती रहती है मतलब गलियों में, मतलब गांव-गांव में घूमती रहती है, ना कि कहीं सरने घास खाने के लिए नहीं जाती, वो ऐसे गलियों में घूमती रहती है। इसलिए हमने भी कोई मतलब किसी लोगों को पैसे देकर मैंने हमारे खेत में मतलब खेत पड़ा हुआ है वहाँ पर मतलब घास बहुत ज़्यादा है, तो इनको मेरे पापा ने उनको पैसे दिया भी दे दिया है। तो फिलहाल मतलब पैसे दे रहे हैं मतलब उनको घास उन गायों को डालने के लिए मतलब उस खेत के अंदर। तो भी मैं फिलहाल कि हर रोज़ मैं जाता हूँ इस टाइम, हर रोज़ मैं गायों को छोड़ने के लिए जाता हूँ, जो कि बहुत दूर है, जो कि 1 किलोमीटर के आसपास मतलब आधा किलोमीटर दूर होता है। मैं अभी चल के जा रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो अभी इस ब्लॉग को आपने लाइक नहीं किया लाइक दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तो सो अभी चलते हैं फटाफट से देखो आज। तो गाइस फटाफट से जाते हैं गायों को जेल से आज़ाद करने के लिए, क्योंकि पापा और मेरी मम्मी और मेरी बुआ जो कि जा रहे हैं आज मेरे ननिहाल में, क्योंकि आज हमारे मेरे ननिहाल में छोटा सा प्रोग्राम है भजन का, जो कि आज मतलब जा रहे हैं। तो पापा ने कहा कि फटाफट से जाना, फटाफट से गायों को मतलब निकालना है, क्योंकि आज मैं फटाफट से दूध, मेरे पापा ने कहा कि फटाफट से गायों को निकालना है और फटाफट से मैं गायों को दूध निकाल दूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे भजन में जाने के लिए लेट ना होगा, इसलिए मैं फटाफट से मतलब यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, जो कि देख सकते हो आ गया मैं वहाँ पर। तो आपको बता दो तो भी पापा दूध दूध काटेंगे आज, मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा भी ननिहाल है, लेकिन वहाँ पे भजन है, मुझे भी जाना चाहिए क्योंकि मेरा ननिहाल है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि पापा ने भी मना किया है, क्योंकि एक गाड़ी में थोड़ा आ सकते, एक गाड़ी में थोड़ा आ सके 4-5 लोग, इसलिए पापा और चार लोग जा रहे कम से कम। तो मतलब दीपी भी है साथ में और ज्योति और दादी, मतलब दादा तो ऑलरेडी सुबह चले गए थे लेकिन वो नहीं जाएंगे। तो मैं भी पहुँच गया, अभी गाय गाय दिख चुकी है जो गाय बोल रहे वो उस खेत खेत के अंदर, इस खेत के अंदर हम गायों को डालते। तो गाय देख सकते मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, क्योंकि देख सकते ये हमारी गाय है और बाकी के सारी गाय अंदर है। तो मैं इन जेल ये तो गाय अभी ये जो जेल है जो जेल को भी खोलना पड़ेगा दरवाज़ा, क्योंकि फिर गाय आएंगी, तो फटाफट से गायों को खोलते। तो गाय गेट को खोलते हैं, इस साइड में खोले या फिर इस साइड में। तो गाय आ रही है, थर्मेल भी क्लिक कर देते, जो कि देख सकते ये 3 गाय मतलब दूसरों की है और ये हमारी 3 गाय हो रही है। गाय हाथ में लकड़ी ले लेते क्योंकि गायों को फटाफट लेके जाना है गायों को, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाते जा रहा हूँ लेकिन थोड़ा मतलब रुक रुक के ब्लॉग बना रहा हूँ, इसलिए गाय तो गाय थोड़ी दूर से ले गई है मुझे। तो गाय आपको मैं बताऊँ तो जैसे कि आपको पता है कि मैं डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, अभी एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग आते जाएंगे, लगातार ब्लॉग आते जाएंगे एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसे कि आज आया एक ब्लॉग फिर परसों ब्लॉग आएगा, ठीक है ना। तो ये इस अब तो आप सपोर्ट कर देना आज प्लीज़ यार, आपको हाथ जोड़ के मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि सपोर्ट कर दे। अभी तो हाथ जोड़ नहीं सकता कि एक हाथ तो ब्लॉग फ़ोन को पकड़ा हुआ फिर ब्लॉगिंग करा हुआ, एक हाथ से तो जोड़ नहीं सकता हाथ। तो गाय अभी फटाफट से गायों को लेके जाते हैं, गाय गायों को भी भगा भगा के लेके जा रहा हूँ क्योंकि लेट हो रहा है, फटाफट बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, अभी मैं इतने भगा भगा के लेके जाऊँगा, अभी भगाते हैं। बस फाइनल में बाड़े के अंदर आ चुका हूँ, जो कि देखो गाय दोनों गाय आ रही है, इसे मेहनत के बाद जो क्या कर रही है। Oh my breath, just so I can hold you closer. Oh my heart, just so I can feel. तो गाइस फाइनली पापा ने मतलब दूध निकाल दिया और वो जाके आ चुके हैं मतलब भजन में। तो उसका नेक्स्ट डे आज मतलब सैटरडे है, जो कि आज हमारे गांव में बनने वाली है हल्दी की सब्जी, जो कि आज मुझे हल्दी को घिसनी पड़ेंगी, वो काम करना पड़ेगा, तो फटाफट से काम करते हैं हल्दी का काम। तो गाइस मैं ऊपर ही हूँ, तो गाइस ये रही हल्दी, मुझे वोट नहीं दिया, फटाफट से जाओ यार वोट दो, अगर 18+ होगी, अगर आपकी एज 18+ हो तो मुझे वोट दे सकते हो, फटाफट से वोट दो। गोपाल जी का वोट, तो आप मुझे वोट देना, तो
तो आपको मैं बता दूं कि जो हल्दी का प्रोग्राम था वो हमारा कैंसिल होगा जो कल होगा। तो इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं कि मेरे भाई फाइनली आ चुका है पाली से और मैं यहाँ पे ये लेके आया था, इसमें उनका कॉलेज में प्रोग्राम वोग्राम था तो वो उनको मेरे भाई को मिला है। तो फिर मैं मतलब ये मैंने ये पहन लिया, अभी वोट देना आपको, वोट देना ना बोला ठीक है। वोट कैसे देता दिया जाता है आपको मैं बता दूं, अगर आपको नीचे लाइक का बटन दिख रहा होगा तो उसे दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ठीक है ना। तो मिलते हैं इस न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक गुड बाय।